आज रोज केंद्रीय प्रवासन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल वडोदराना मेहमान बन्या हता। भारत सरकारना केंद्रीय प्रवासन मंत्री श्री प्रहलाद पटेले गतरोज ऐतिहासिक पावागढ़ यात्राधामनी मुलाकात लीधी हती, ज्यां तेमणे ऐतिहासिक लेखो अने चीजवस्तुओनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। त्यारबाद वडोदराना सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्टना प्रयासोथी प्रवासन मंत्री श्री प्रहलाद पटेले आजे आपणा संस्कारी अने कलानगरी वडोदराना ऐतिहासिक एवा रावपुरा विस्तारमां आवेला तांबेडकरवाड़ानी मुलाकात लीधी हती। आ ऐतिहासिक तांबेडकरवाड़ाने इमारतमां महाभारत अने गायकवाड़ी समयना ऐतिहासिक अने दुर्लभ चित्रों संग्रहायेला छे। ते इमारतनी ऐतिहासिक चित्रों सहितनी चीजवस्तुओने फरीथी उजागर करीने टूरिज्मने प्रोत्साहित करवाना भागरूपे आपणा माननीय सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्टे प्रयास हाथ धर्यो छे, जे अंतर्गत आजे केन्द्र सरकारना प्रवासन मंत्री श्री प्रहलाद पटेलने तेमणे वडोदराना आमंत्रण आपीने आ ऐतिहासिक इमारत तरफे ध्यान दोरीने तेनो विकास थाय अने टूरिज्मने प्रोत्साहन मळे तथा वडोदराने आगवी ओळख मळे ते माटे प्रयास कर्यो हतो। વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે, વલા વડોદરા કલાની પણ નગરી છે। કેન્દ્ર સરકારના પ્રવાસન મંત્રી માન્ય પ્રહલાદ પટેલ ગઈકાલે પાવાગઢ ગયા હતા અને આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા છે। આંબેડકરજીનો વાડો એટલે એક પુરાણી સંસ્કૃતિ આપણી ભારતીય મહાભારત હોય કે પછી સયાજીરાવ ગાયકવાડની પેઇન્ટિંગ હોય, એ બધી અહીંયા આપણા આ વાડામાં છે। ઘણી એવી પુરાણી છે એટલે એને ફરી પાછી જાગતી દોડતી કરવાની છે, એટલે પ્રવાસન મંત્રી આ જોવા માટે આવ્યા છે અને એમણે પોતે ખૂબ સારો રસ ધરાવ્યો। કાલે રાત્રે હું પણ એમની સાથે બેઠી અને આપણી વડોદરાની આ સંસ્કારી નગરીની આ એક કલા, આ આપણી એક એવું કહેવાય કે સયાજીરાવ ગાયકવાડનું આપેલું આપણને એક નજરાણું, તો સાથે સાથે વડોદરા એક એવી કલાનગરી છે કે પ્રહલાદ પટેલજીને મેં કીધું કે સાહેબ આપ આ જોઈ અને આને આખું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ કરો। એમના તરફથી હંમેશા ટુરિઝમમાં પોઝિટિવ હા હોય છે ને એમણે આ જોવા માટેનું આપણી સાથેનું આવ્યા જોયું અને એને આગળ વધારવા માટેની જે એક એમણે પહેલ કરી છે માન્ય મંત્રીશ્રીનો, વડોદરાના સાંસદ તરીકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપે વડોદરા માટેની આ એક પહેલ, એની જે અમારી સંસ્કૃતિ છે એને જાગર રાખવા માટેની, ઉજાગર કરવા માટેની આપે ઈચ્છા દર્શાવી। ધન્યવાદ। કલ મેં આયા થા તો पावागढ़ के माता के दर्शन हुए, पहली बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। दिव्य भव्य और इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पावागढ़ और वडोदरा रहा है। आज मुझे सुबह से वडोदरा में चीज़ें देखने का अवसर मिला है। कल मेरे लिए खुशी की बात और मेरे लिए नई जानकारी ये है जो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर डायनेस्टीज का एक लंबा अंतराल रहा है। जब मैं पावागढ़ से नीचे उतर रहा था तो एसआई की हमारी टीम ने वहाँ पर एक स्थान मुझे दिखाया जो 12वीं शताब्दी का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का एक शिलालेख लगा हुआ आज भी वहाँ उपलब्ध है। आगे भी और जो उसकी वैज्ञानिक खनन होना है वो होगा। आज मैं यहाँ पर आया और ये पेंटिंग देखने के बाद हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो अग्रस्त थे या पूर्वज थे वो
तब भी उनके पास कला थी, बेहतर कॉन्सेप्ट था, तमाम चीज़ें जो आज तक लगभग उसी स्थिति में है, जबकि उनकी बहुत चिंता हमने नहीं की है। ASI ने इस ASI का स्मारक है वो कुछ जगह पर उन्होंने काम शुरू किया है, कुछ अपेक्षाएं हैं जो माननीय सांसद जी से बैठ के कि नगर निगम अगर मदद करता है तो CPS के रास्ते रुक जाएंगे, तो जो कंजर्वेशन का काम है वो ASI यहाँ पर कर पाएगी। सुंदर जगह है, मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। जिस तरह से टूरिज्म को असर हो रही है तो उसमें के बाद क्या किस तरह से आपकी नीति रहेगी कि आगे बढ़ाया जाए? नहीं नहीं, सरकार पूरी तरह से चौकस है। हम हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि रफ्तार हमारी धीमी होगी शुरुआत की, लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तो हमारे मुकाबले कोई नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कोविड के इस कालखंड में और कोई आकलन नहीं हो सकता। ये जरूरी है, पर्यटक की सुरक्षा आवश्यक है, हमारी स्वयं की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन दो तीन जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों के कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया के देशों को जो दवाइयाँ दी हैं, किसी भी दुनिया के अन्य देश ने किसी की मदद नहीं की, सिर्फ भारत ने ही की। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो मंत्र था उसको साकार दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की। दूसरा, जो भारतीय जीवन शैली है जिसका लोग उपहास कई बार उड़ाया करते थे, हमारा हर कदम चाहे वो जूते पहनने का हो या बाकी चीज़ें दैनिक दिनचर्या की हो, उसको दुनिया ने माना। नमस्ते हमने नहीं कहा था कि दुनिया के देशों को कहे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय जीवन शैली के प्रति जो मान और सम्मान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उससे हमें पर्यटक को लाभ मिलेगा। और तीसरा है जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैक्सीन अभी तक इस बीमारी की निकली नहीं, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में रोग से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है वो, और इसलिए वैसे भी वेलनेस टूरिज्म का अवसर भारत में था, लेकिन इस परिस्थिति में इन तीनों बातों की अनुकूलता हमको मिलेगी। ये दौर है, इस समय हमारे होटल के लोग परेशान हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के लोग परेशान हैं, लेकिन हमने 6 तारीख से देश के सारे मॉन्यूमेंट्स को खोलने की अनुमति दी है। शर्त ये रखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस का चिंता करें और स्थानीय प्रशासन के नियमों का निर्देशों का हम पालन करें। जिस तरह से आपने अभी बताया, जिस तरह कॉर्पोरेशन के स्थानीय लोगों के साथ